हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डॉन। और दोस्तों, टाटा ने अपनी एसयूवी हैरियर के BS6 वेरिएंट की और डिटेल्स को रिवील कर दिया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस है वो 13,69,000 रुपीज से स्टार्ट है, जो कि एक एक्स शोरूम फिगर है। वहीं इसके टॉप एंड वेरियंट का जो प्राइस है वो 20,25,000 रुपीज तक जाता है, और ये भी एक एक्स शोरूम फिगर है। और अगर बात की जाए इसके बेस वेरिएंट की, जिसका प्राइस 13,69,000 रुपीज का है, वो इसके BS4 वेरिएंट के मुकाबले आपको अब लगभग 69-70,000 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ेगा। टाटा हरियर BS6 वेरिएंट में आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज FCA डिराइव डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 170 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर आप इसको कंपेयर करें इसके BS4 मॉडल से, तो यहाँ आपको 30 BHP पहले से ज्यादा मिल रही है। साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि ज्यादा BHP के साथ साथ इंजन भी आपको पहले ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगा। और इसके साथ इसके BS6 मॉडल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा, जो कि 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ होगा। ओवरऑल अगर हम टाटा हरियर BS6 को कंपेयर करें BS4 से, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नए चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी टाटा हरियर के BS6 मॉडल में जो नए अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, उनमें इंक्लूड है एक नया कलर ऑप्शन, जो कि है कैलिप्सो रेड का। साथ ही इसका जो अलॉय व्हील्स, वो भी अब आपको पहले से ज्यादा बड़े 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, और रिवाइज्ड विंग मिरर हाउसिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब इस एसयूवी में आपको एक ऑप्शनल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आपको रेन सेंसिंग क्लोजर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसके हायर मॉडल्स में आपको डुअल टोन कलर स्कीम्स का ऑप्शन भी नया दिया गया है, जो कि है रेड और ब्लैक, या फिर व्हाइट और ब्लैक का। ठीक इसी तरह इसके कैबिन में भी अगर आप देखें, तो बहुत ज्यादा नए चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके कैबिन में एक एडिशनल USB पोर्ट दिया गया है, और इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग इंटीरियर रियर व्यू मिरर्स और 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी। टाटा हरियर BS6 के ऑटोमेटिक वेरिएंट का जो प्राइस स्टार्ट है वो 16,25,000 रुपीज से स्टार्ट है, जो कि अगेन एक एक्स शोरूम फिगर है। टाटा हरियर BS6 को 1 से 1.5 साल पहले ही लॉन्च किया गया है, इसीलिए इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा चीजों की अपडेट की नीड लगती भी नहीं थी। हरियर BS6 में आपको HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, सिग्नेचर ओक ब्राउन डैशबोर्ड, प्रीमियम इंडिजेंट लेदर सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर शिफ्ट नॉब, शार्क फिन एंटीना, एरो थ्रोटल स्टाइल्ड हैंड ब्रेक, क्रोम फिनिशर, जैसी काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि इस गाड़ी को काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश भी बनाती हैं। और बात की जाए टाटा हरियर BS6 के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लैंप्स, ऑटो डिमिंग IRVM जैसे काफी फीचर्स दिए गए हैं। और इन फीचर्स के अलावा भी आपको टाटा हरियर BS6 में 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, 9 JBL स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस रिकॉग्निशन एंड अलर्ट्स, 7 इंच का कलर TFT डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। टाटा हरियर BS6 का जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर्स का है, और इसका व्हील बेस 2741 mm का है। वहीं इस गाड़ी में आपको 425 लीटर्स का बूट स्पेस भी मिलता है। और इस सब के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी के अंदर अभी आपको डीजल इंजन ही अवेलेबल करवाया गया है, और बहुत ही जल्दी पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी कंपनी इसके अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर देगी, जो कि 150 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। साथ ही ये इंजन आपको 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी 15-20 लाख रुपए में एक 5-सीटर बेस्ट SUV देख रहे हैं, एक लेटेस्ट SUV देख रहे हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर इसके अलावा भी आप इस गाड़ी के बारे में कोई जानकारी चाहें, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना याद रखिएगा, अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि सीट बेल्ट का यूज जरूर कीजिए अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहिए ड्राइव डॉन के साथ, हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप ड्राइविंग।